मान लीजिए आपका कहीं स्कूल में इंटरव्यू हो, कॉलेज में हो, आपके दोस्तों के साथ हो या फिर किसी कंपनी में, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोहित। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, यानी कि अच्छी शुरुआत से तो आधा काम पूरा हो ही जाता है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग करेंगे ग्रीट। ग्रीट का मतलब समझते हो ना, यानी कि उसको हिंदी में आप नमस्ते कहते हो ना, ग्रीट हम इंग्लिश में उसको ग्रीट कहते हैं। ओके, तो तीन तरह से आप ग्रीट कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ये तीनों तरीके आपको एक ही टाइम पे यूज़ नहीं करने। कहीं आप सुबह इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप कह दो गुड इवनिंग, नहीं, आपको ये टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग जो गुड मॉर्निंग यूज़ होता है वो शायद आपको पता होगा, 12 o'clock से पहले यूज़ करते हैं हम लोग, और 12 o'clock के बाद हम यूज़ करते हैं गुड आफ्टरनून, और 5 o'clock के बाद हम यूज़ करेंगे इवनिंग, गुड इवनिंग। अब नीचे मैंने लिख रखे हैं हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, ये आप लोगों को यूज़ नहीं करने, आपको इंग्लिश ग्रामर में ये यूज़ नहीं करने हैं। अच्छा, हो गया। सबसे पहला तो ये हमारा हो गया ग्रीट का। अब हमारा सेकंड जो चीज़ हमें है वो हमें करनी है नेम, यानी कि नाम। नाम आप तीन तरह से ले सकते हैं, तीन तरह से, जैसे कि दिस इज ब्लैंक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि जो भी आपका नाम है, आई एम जो भी आपका नाम है, माई नेम इज जो भी आपका नाम है, और फोर्थ जो है वो है माई सेल्फ ब्लैंक। दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर में यूज़ नहीं होगा, माई सेल्फ मोहित ये यूज़ नहीं होगा। अब ये थी हमारी सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारा है प्लेस। प्लेस रखने वाला प्लेस नहीं, किसी चीज़ को रखना, फिक्स कर देना, वो वाला प्लेस नहीं, यानी कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ये दो तरीके मैंने आपको बताए। और मान लीजिए आपका दिल्ली में इंटरव्यू हो तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ना कि मैं दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली का ही हूँ। तो आप ये तो इस दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क देखिए, मैं दिल्ली का हूँ और मैं दिल्ली का ही हूँ। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इट्स सेल्फ। ही आ जाए ना जहाँ पे, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे इट्स सेल्फ। ओके ओके गाइस, उसके बाद हमारा जो फोर्थ जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं वो है फैमिली। फैमिली हमारी फोर्थ जो चीज़ है वो है फैमिली। आपको आप एक लाइन बेशक रट लीजिए या फिर याद की कर लीजिए, वो है इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव ब्लैंक। इस लाइन का मतलब बता देता हूँ कि यानी कि मेरी फैमिली में मेरे माता पिता के अलावा कौन कौन है। आई हैव यानी कि कौन कौन है, माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड फादर। आप यहाँ पे लिखेंगे आई हैव यू, जो नीचे वाला लाइन है ना उसमें। उसके बाद हम आते हैं हमारी क्वालिफिकेशन में। तो क्वालिफिकेशन में क्या क्या है? क्वालिफिकेशन में है आई एम इन क्लास, आप कौन सी क्लास में हो अपनी क्लास बताएं। आई एम इन स्टैंडर्ड, यानी कि कौन से स्टैंडर्ड में हो। ओके, ये दो तरीके हैं आप जो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा क्वालिफिकेशन, यानी कि अपने बारे में क्वालिफिकेशन करना। दो लाइन और है इसमें, अगर आप कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट्स हो तो आई एम परस्यूइंग BA2 और आई एम इन BA2।
ये हो गए मैंने आपको बता दिए पांच चीजें जो आपको इंट्रोडक्शन में यूज करनी है। और अब छठी चीज एक और उसके बाद आपको बतानी है, वो है आपकी हॉबी। हॉबी का मतलब है कि आप क्या क्या, आपकी जो हॉबी क्या है, आप क्या क्या करते हो। जैसे मेरी हॉबी है कि मैं खेलता हूँ, तो ये मेरी हॉबी है ना। तो हॉबी किस तरह से हो सकती है, वॉचिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, लर्निंग। तो ये इस तरह से हमारी हॉबी होती हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।